दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को डिक्स डीजे के अंदर दो बड़े एरर के बारे में बात करने वाला हूं, जिसकी मदद से आप काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे ये कमेंट किया था गाइस कि मैं उस चीज़ के अंदर ये नहीं कर पा रहा हूं, वो नहीं कर पा रहा हूं, काफ़ी सारी दिक्कत हो रही थी काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स को, किसी भी सॉन्ग को रिमिक्स करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था इन दो एरर्स के कारण। तो अगर आपके भी इस डिक्स डीजे एप्लीकेशन के अंदर ये दो एरर आ रहे हैं तो ये वीडियो आपको कम्प्लीटली देखना है, और मैं आपको इस वीडियो के अंदर कम्प्लीटली ये बता दूंगा कि वो एरर कौन सी है, कैसे उसे ठीक किया जा सकता है, ताकि आपको भी फ्यूचर में किसी तरह की तकलीफ ना हो किसी भी सॉन्ग को रिमिक्स करने के लिए। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को अभी से ही लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बिंदास बॉय टीच विद फन। सो गाइस, यहाँ पर मैं बात करता हूँ वो दो बड़े एरर के बारे में, उसके बाद मैं आपको उस सॉल्यूशन बता दूंगा कि आपको उसे कैसे ठीक करनी है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत ना हो, या फिर अभी दिक्कत आ रही है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे सबसे बड़े एरर की बात ये आती है कि काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स अपने डिक्स डीजे के अंदर सॉन्ग को ऐड नहीं कर पाते हैं, या फिर बोलते हैं कि भाई मुझे बाहर से जो सॉन्ग्स जो मैंने डाउनलोड किया है या फिर कुछ भी किया है उसे मैं अपने डिक्स डीजे के अंदर लोड कैसे करूँ, या फिर कोई सॉन्ग को सैम्पल पैक की तरह कैसे यूज करूँ, ये सारा कुछ उन्हें लोगों को काफ़ी ज़्यादा एरर आ रही थी डिक्स डीजे के अंदर। सो गाइस, ये पहली एरर है। ठीक है, उसके बाद ये इसे सॉल्व कैसे किया जाता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि सपोज़ मान लीजिए कि आपने बहुत सारे सॉन्ग्स है आपके फ़ोन के अंदर ऑलरेडी, सैंपल में अगर लोड करना है तो सैंपल पे आपको जाकर के लोड करनी होगी, और अगर आपको डिक्स डीजे के अंदर लोड करना है तो गाइज आपको डिक्स डीजे के अंदर जाकर के लोड करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों ही जगह पर आपको अलग अलग तरीके से बता देता हूँ, जिसकी मदद से आपको आने वाले समय में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले आपको डिक्स डीजे के अंदर अगर आप कोई भी सॉन्ग को रिमिक्स करना चाहते हैं, उसे प्ले करना चाहते हैं, बजाना चाहते हैं अपने डीजे में, तो आप उसे कैसे लोड करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे राइट साइड के ऊपर वाले आइकन पे क्लिक कर देनी है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक, क्लिक करेंगे तो आपका जितने भी सॉन्ग का एल्बम है आपको यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद टाइटल आर्टिस्ट का है, फोल्डर का है, आपका फोल्डर फाइल मैनेजर आपका यहाँ आ जाएगा जितने भी सॉन्ग है, और यहाँ पे फोल्डर प्लस का है, उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्रेसर का है, उसके बाद जीनियस का, आपको यहाँ पे जितने भी सॉन्ग है गाइस आपको यहाँ पे शो अप होने लगेंगे, आप यहाँ से कोई सा भी सॉन्ग को ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे आपके खुद के फ़ोन के ही है, ये जितने भी सॉन्ग आपके फ़ोन के अंदर है वो सारा यहाँ पे आपका शो होने लग जाएगा। तो आपने कोई सॉन्ग डाउनलोड किया और आपके अपने डिक्स डीजे के अंदर लोड नहीं कर पा रहे हैं, उसे कैसे खोजे कैसे उसे लोड करें, तो आपको क्या करने है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको फोल्डर पर आ जानी है, और वो फाइल जहाँ पर भी आपने डाउनलोड करके रखी है गाइस, जैसे कि यहाँ पर है डाउनलोड करके रखी है, तो ये सारे आपका जो डाउनलोड फाइल है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। ये सारे डाउनलोड फाइल है ये यहाँ पे आपको एक सेलेक्ट कर लेनी है और आपके अपने डिक्स डीजे के अंदर लोड कर लेनी है, तो वो बहुत ही आसानी से लोड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर आप सैंपल पैक के अंदर आप उसे लोड करना चाहते हो तब आप कैसे करेंगे। तो इसके लिए गाइस सबसे पहले आपको सैंपल पर क्लिक कर देनी है। सैंपल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर लोड पर क्लिक करनी है। लोड पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर एक इम्पोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, इम्पोर्ट पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे फाइल मैनेजर आपका पूरा ओपन हो जाएगा, और आपका जो भी फाइल आपको यहाँ पे लोड करनी है गाइज यहाँ से आप लोड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, अब बात करते हैं कि आपको दूसरा एरर क्या है। तो दूसरा एरर ये है गाइज कि आप बहुत सारे लोग सब्सक्राइबर्स अपने सॉन्ग को रिमिक्स तो कर लेते हैं, अपने सॉन्ग को एडिट कर लेते हैं, लेकिन आप उसे डाउनलोड नहीं कर पाते, उसे सेव नहीं कर पाते, तो अब आप उसको कैसे सेव करेंगे। तो ये दूसरा एरर बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर्स लोगों को परेशान कर रही थी, तो ये इस एरर को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गाइज आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है रिकॉर्ड बटन का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सॉन्ग को सबसे पहले आपको रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है, उसके बाद आपको सॉन्ग को प्ले कर देनी है। ठीक है गाइस, मैं यहाँ पे अभी रिकॉर्डिंग चालू करके रखा हूँ तो मैं यहाँ पे अभी प्ले नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप अपने सॉन्ग अपने डिक्स डीजे के अंदर आप इसे इस तरह से करते हैं, पहले आपको रिकॉर्ड कर लेनी है उसके बाद आपको सॉन्ग प्ले कर देनी है, तो आपके डिक्स डीजे के अंदर जितने भी सॉन्ग्स बजते हैं, जो भी आप कुछ करते हैं या फिर कुछ भी एडिटिंग करते हैं, वो सारा कुछ आपको यहाँ पर रिकॉर्ड होने लग जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जैसे सपोज़ मान लीजिए कि मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद मैं यहाँ पर दोबारा से क्लिक करता हूँ तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहां से आपसे पूछा जाएगा कि आप जो सॉन्ग रिकॉर्ड किए, जो डाउनलोड किए हैं, वो सॉन्ग का आप क्या नाम रखना चाहते हैं। तो मैं यहां पे इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं, और उसके बाद यहां पे एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गाइस, ओके सेव। आप जैसे ही ओके सेव पर क्लिक करेंगे गाइस, यहां पे लिखने के लिए आ जाएगा सक्सेसफुली सेव। ठीक है गाइस, अब उसके बाद आप थोड़ी देर यहां पे इंतजार करेंगे तो आपको यहां पे देखिए थोड़ी देर इंतजार करने के बाद वन सॉन्ग एडेड, तो आप यहां पे ओके कीजिएगा तो वो सॉन्ग आपका यहां पे ऐड हो जाएगा, यहां पे नया जो सॉन्ग है वो
जो अभी आपने रिकॉर्ड किया था वो यहाँ पे शो अप हो गया है। तो अगर आप ये सॉन्ग को दोबारा बजाना चाहते हैं तो आप क्लिक करके चैनल वन या चैनल टू या फिर दोनों चैनल में एक साथ यहाँ पे बजाने का ऑप्शन दे दिया है, तो मैं यहाँ पे अभी नहीं बजाना चाहता हूँ। तो आप इस तरह से आप किसी भी सॉन्ग को रिमिक्स किए हुए सॉन्ग को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फाइल मैनेजर में उसे सेव कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर के, तब तक के लिए थैंक यू।